भाई बाप है, सब कुछ कर सकते हैं। अरे बच्चा गुहार गवर्नमेंट के सामने नहीं करेगा तो किसके सामने करेगा? 48 साल से हमारा शोषण कर रहे हैं लोग, तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह का सिस्टम, तरह तरह का काम। आप तो सभ्यता से बात कर रहे हैं, फिर आप ऐसे करो। कहां देखो सभ्यता से नहीं बात करी साहब, नहीं बात करी। हम कितना रो रहे हैं, आप ऐसे करोगे? सुनो हम, सुनो भी महिलाएं, दर्द सुनो हमारा, हमारा दर्द सुनो। ये महिला परेशान घंटे से परेशान हो रही है, आपका खाना खाया हुआ है, सुबह 7 बजे से घर से निकली है। हमारा दर्द सुनो, हमने अरे परमानेंट का अन्य महकमों को आप कर सकते हो, परमानेंट तो हमें नहीं कर सकते क्या? हमें नहीं कर सकते, सब आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। आप लोग भाग के बीच में से क्यों जा रहे? ये हमें पता पड़ गया, ये इनका खाली स्वागत का प्रोग्राम है, ये हमें सुनने के लिए नहीं, हम आपसे सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये तो इनको मोरा बना रहे हैं। साहब आ गए, दो आए चले गए सीएम साहब यहाँ पे, और है ना इस तरीके का व्यवहार नारी शक्ति सहन नहीं करेगी। हम अपने हरगिज नहीं से, क्योंकि 1975 से 1975 से हमारा शोषण होता हुआ आ रहा है, और हमारी बात आपका क्या नाम भाई जी? मेरा नाम तो बबीता, लेकिन कोरोना काल के युद्ध बबीता जी शांति करो आप। देखो शांति शांति नहीं, रोने से ऐसा होगा नहीं, बैठने को कहा ना आपको, बात आप सुने तब ना, सुने तब ना। हाँ बिल्कुल, हम शांति पूर्वक बैठे थे, सुबह सुबह से बैठे थे, शांति पूर्वक सुबह 8 बजे से आए हुए यहाँ बैठे, सुबह 8 बजे के आए हुए हम यहाँ बैठे हैं, और अभी तक किसी ने कुछ नहीं सुना, तो फिर हमारे साथ दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है कि मतलब क्या करें, बताओ आपको अपना काम होगा, चलो अपना काम नहीं जब सरकार ही नहीं सुन रही तो किसके सामने झगड़ रहे हैं? जब सरकार ही नहीं सुन रही है तो किसको कर दो एक पाए, यहाँ बैठ जाओ, अब इस मत किसी के बच्चे बीमार है। इतना आपने 25 लाख की निकाल तो दी, लेकिन हर एक का बच्चा घर में बीमार थोड़ी होगा, हर एक का परिवार बीमार थोड़ी होगा। अरे देना है तो इन महिलाओं का मान दो, सम्मान दो। हम ग्वार ग्वार के कह रहे हैं, हमारा हक है, जिसको परमानेंट किया 2018 में जब वादा किया था इन्होंने हमसे, जब रणनीति बनाई थी, घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि आने वाली कर्मचारी बहनों को परमानेंट किया जाएगा। ज्यादा करो, ज्यादा टाइम लगाओ, और खराब करो, जब निकलने में ड्यूटी हमारी, हमें निकलने के लिए भी बाध्य किया जाता है कि आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ोगी, हमें इसलिए भी बाध्य किया जाता है। अरे बताओ ना, कौन से बैंक में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा जाता है? मुझे बताओ, पेंशन आपने दोबारा लागू कर सकते हो, 19 जिले चला सकते हो, तो क्या ये 64,000 बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकते आप लोग? मैं बबीता माहेश्वरी, आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन की एक सदस्य, और हमारी जो आज सीएम साहब को लेके वार्ता जो होने परमानेंट कर दिया गया है, तो हमारा जो नारी शक्ति का महकमा है आंगनवाड़ी, वो बहुत ही बड़ा महकमा, वो बहुत ही बड़ा, सारी महिला शक्ति ही काम करती है। तो आज तक सीएम साहब ने इसके बारे में नहीं सोचा। 2018 में साहब ने वादा किया था, 2018 में साहब ने वादा किया था कि उनके घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था कि मैं आंगनवाड़ी परिवार की बहनों को परमानेंट कर दूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे पे क्वेश्चन छोड़ा कि मैं कैसे करूँ। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे कर्ता धर्ता हैं, आपने जब औरों के लिए किया तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? आप हमारे लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब रुकी हुई पेंशन जो बंद कर दी थी किसी ने, उसको आप वापस कर सकते हैं, इतने डिस्ट्रिक्टों को आप चला सकते हैं वापस से, इतनी योजनाएं आप धरातल पर डाल सकते हैं, इतना सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। तो यदि आप ये हमें परमानेंट का कर देते हैं ना, तो हमारे साथ पुश्ते आपको दिल से दुआएं देगी, और आपको फिर कई बार
कई बार आपको वापस गवर्नमेंट में लाएंगे, क्योंकि हमारी ये नारी शक्ति की गुहार है। जो आज की तारीख में हमें जो मिल रहा है वो हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, और इस आर्थिक स्थिति से जूझते जूझते हम बहने हार चुकी हैं। दुनिया भर के डिपार्टमेंटल काम आते हैं हमारे पास, तरह तरह के विभाग के काम आते हैं, सारे काम हमें करने पड़ते हैं, सारी संस्थाओं के, एनजीओ के, दुनिया भर के काम डाले जाते हैं, उनको भी हम करके देते हैं, डाटा सारा अपडेट करके देते हैं, फिर साहब क्यों नहीं सुन रहे। ये साहब तक विनती है, हमारी अपील है कि साहब प्लीज इस डिपार्टमेंट पर गौर कीजिए, और जाते जाते अपने करमंडलों से हमारे लिए भी परमानेंट का महकमा लिख जाइए, ताकि हम नारी शक्ति तमाम उम्र आपकी ऋणी रहें और आपको सम्मान के साथ वापस नई सरकार में। आज आपने मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या आपने उनके अपने मांगे रखे, क्या आपने आपको दिया आश्वासन? मांगों के रूप में हमने हमारा ज्ञापन दिया, और हमें परमानेंट होना हमारा सबसे बड़ा मांग है। बाकी की बात तो यदि परमानेंट हो जाते हैं तो सब होती रहेंगी। वैसे पंचसूत्री हमारी मांगे हैं कि हमें परमानेंट होना है, राज्य कर्मचारी बनना है, उसके साथ हमारी 50,000 की स्केल होनी चाहिए, दूसरी बात हमारी ग्रेजुएटी 25 लाख होनी चाहिए, तीसरी बात हमारे को पेंशन सेवा मिलनी चाहिए, चौथी बात हमारा जो प्रमोशन सिस्टम है वो हमारी बहनों के द्वारा, जो हम डिग्री धारक है, जो हमारी योग्यता है, जो हमारा बोलते ना अनुभव, उस अनुभव के आधार पर डिस्ट्रिक्ट हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, उसी लेवल पे हमारा ऊंचा प्रमोशन भी होना चाहिए, और उसके बाद मेडिकल सेवाएं भी हमारी जो अन्य विभागों को दे रहे हैं वैसी की वैसी हमारी सेवाएं होनी चाहिए, और अन्य विभागों का जो छुट्टी का कैलेंडर बना हुआ है वो छुट्टी का कैलेंडर भी हमारा बना हुआ होना चाहिए। ये हमारे पंचसूत्री मांगे हैं, और साहब से विनती हाथ जोड़ के कि अपने करमंडलों से इस आम बहनों का जो ये आज ये परिवार देख रहे हैं आप, बहुत दुखी है, हम लोग बहुत परेशान है, आप कर सकते हैं साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जब भगवान भक्त के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा, एक बेटा माँ के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। इतनी नारी शक्ति को आपने योजनाएं डाली है, सही बात है, उसको धरातल पे लाने वाला भी हमारा ही महकमा है।